शिवा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो के सीक्रेट डिपार्टमेंट में काम करता है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता। वो डिपार्टमेंट लोगों के फोन कॉल्स टैप करती थी और जिन जिन कॉल्स में कुछ भी क्राइम या किसी अनहोनी चीजें होने की आशंका होती है, उन कॉल्स के आगे इन्वेस्टिगेशन होती थी ताकि कोई भी गुना होने से पहले उसे रोका जाए। शिवा का खुद का सॉफ्टवेयर होता है, वो भी अलग अलग फोन कॉल सुनता है और जहां पर भी गुना होने वाला हो वहां खुद जाकर लोगों की मदद करता है। यह सब शिवा लोगों की मदद और खुद की खुशी के लिए कर रहा होता है, जिसमें उसे कई बार चोट आती है पर वो रुकता नहीं। वो अकेला ही बिना अपने डिपार्टमेंट को बताए जितनी हो सके उतने लोगों की मदद करता था। शिवा एक बार रात को एक कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहा था। वह कॉल हेमा नाम की लड़की का होता है। हेमा अपने दोस्त को बता रही होती है कि वो घर पर अकेली है, उसके पेरेंट्स घर पर नहीं है और उसे घर में भूत होने का एहसास हो रहा है, उसे काफी डर लग रहा है। इस पर हेमा की दोस्त हेमा से कहती है कि मैं तो अभी तुम्हारे घर पर नहीं आ सकती, तुम भगवान का नाम लेकर सो जाओ। शिवा ये कॉल सुनकर अपने एक दोस्त को कॉल लगाता है जो कि लेडी कांस्टेबल होती है, उसका नाम रेणु होता है। शिवा रेणु को उस लड़की का एड्रेस देता है और वहां पर जाने कहता है, तो रेणु उस लड़की के घर पर जाने निकलती है। रात बीत जाती है। अगली सुबह शिवा टीवी न्यूज पर देखता है कि हेमा का मर्डर हुआ है और साथ ही में उसकी मदद करने गई कांस्टेबल रेणु का भी मर्डर हो चुका है। शिवा हैरान हो जाता है। वो मौके वारदात पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि हेमा और रेणु दोनों की बॉडीज बिना कपड़ों की है और कातिल ने बेरहमी से उनके टुकड़े किए हैं। उन दोनों की फैमिलीज बुरी तरह से रो रही थी। शिवा को इन सबसे सदमा लगता है, वो खुद को कसूरवार मानता है और अपने काम से इस्तीफा देता है। तो शिवा का दोस्त उसे समझाने घर पर आता है और कहता है कि तुमने कितने लोगों की जान बचाई अब तक, लेकिन सिर्फ इस बार ही हमसे कोई चीज छूट गई है। तो शिवा कहते हैं कि मुझे वहां पर खुद जाना चाहिए था, वो बेचारी छोटी लड़की थी, उसे बताने नहीं आ रहा था, वो कातिल को भूत समझ रही थी, लेकिन मुझे तो समझ जाना चाहिए था, मैंने ये नौकरी छोड़ दी है और यही मेरी सजा होगी। इस पर शिवा का पिता उसे समझाता है कि इस कातिल ने इससे भी पहले कई गुनाह किए होंगे और आगे भी करेगा, हो सकता है ये किसी बड़े हत्याकांड की शुरुआत होगी, तुम्हें अपना काम जारी रखना चाहिए, तुम आगे होने वाले गुनाह रोक सकते हो। शिवा अपने पिता की बात मानता है और वापिस काम पर लौटता है। शिवा और उसके दोस्त पुलिस से अलग खुद ही हेमा और रेणु की मर्डर इन्वेस्टिगेशन चालू करते। हेमा की सभी कॉल रिकॉर्डिंग्स मैसेजेस और व्हाट्सएप चेक किया जाता है पर उन्हें कातिल का कुछ भी सबूत नहीं मिलता। पुलिस कमिश्नर के कॉल टैपिंग से पता चलता है कि मर्डर वाली जगह पर एक कपड़ा मिला है जिससे हथियारों से खून साफ किया था। उस कपड़े पर और भी 10 लोगों का खून लगा हुआ था जिनमें 3 आदमी थे, यानी कि जिस किलर ने हेमा और रेणु का बेरहमी से खून किया होता है वो सीरियल किलर होता है और उसने काफी सारे खून किए होते। शिवा को ये बात पता चलती है। फिर शिवा सभी जगह का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है जहां पर हेमा खून होने से पहले गई थी। उस सीसीटीवी फुटेज में एक फुटेज कैफे का होता है जहां पर एक लड़का हेमा का पीछा करता दिखाई देता है। उस लड़के के बाइक का नंबर फर्जी होता है। शिवा को उस पर शक आता है। शिवा उस लड़के का सीसीटीवी फुटेज से फोटो निकलवा कर एक नकली वीडियो बनवाता है जिसमें एक लड़की बताती है कि ये मेरा भाई है और मैं किसी से प्यार करती हूँ, इससे नाराज होकर मेरा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लेकर भाग गया है, प्लीज घर पर जल्दी आ जाओ, माँ भी बीमार है। शिवा ये वीडियो सोशल मीडिया पर फैला कर वायरल करने कहता है ताकि वो लड़का जल्द से जल्द मिल जाए जो कैफे में हेमा का पीछा कर रहा था। शिवा पुलिस की मदद नहीं लेता क्योंकि पुलिस ने पहले इस केस में नकली आरोपी पकड़े होते ताकि जनता शांत हो और डरे नहीं। फिर शिवा अपने घर पर जाता है, वहां पर देखता है तो शिवा की दोस्त चार्ली उसके माँ के साथ झगड़ा कर रही होती है। शिवा की माँ ने उसका आईपैड OLX पर बेचने डाला होता है और वही लेने चार्ली आई होती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो शिवा का घर होता है। दरअसल कुछ महीने पहले शिवा कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है तब वो चार्ली की कॉल रिकॉर्डिंग सुनता है। चार्ली कॉल पर अपने दोस्त से कह रही होती है कि उसे बॉयफ्रेंड चाहिए, लेकिन वो प्यार पर विश्वास नहीं करती। चार्ली और भी कई सारी खट्टी मीठी बातें फोन पर करती है। ये सुनकर शिवा को रहा नहीं जाता और वो अगले दिन उससे मिलने जाता है। शिवा चार्ली का पीछा करता है पर चार्ली उसे भगा देती है। वो फोन पर अपने दोस्त से काफी नॉटी बातें करती है जो शिवा सुनता था, पर कॉलेज जाती स्कॉलर सखी सावित्री बनती थी जिससे शिवा बहुत कंफ्यूज होता है। शिवा 28 दिनों तक चार्ली का पीछा करता है। चार्ली भी ये सब नोटिस करती है। आखिरकार शिवा खुद जाकर चार्ली से बात करता है और कहते हैं कि मुझे भी प्यार में विश्वास नहीं है। शिवा और भी कुछ बातें करता है जो चार्ली को पसंद होती है क्योंकि शिवा तो रोज उसके कॉल सुन रहा था और ये बात चार्ली को पता नहीं होती। शिवा की माँ उसे कहती है कि ये लड़की तो कह रही है कि तुम्हारे बीच प्यार भी नहीं है और दोस्ती भी नहीं है, तो कैसा रिश्ता है? तो शिवा कहता है कि हमारे बीच फायदे से भरी दोस्ती है। शिवा ने फैलाया हुआ वीडियो वायरल होता है और उसमें शिवा का नंबर होता है। उसे लड़की की मदद करने के लिए कॉल आते हैं पर शिवा उन्हें मना करता है। उसे तो उस लड़के के बारे में जानकारी चाहिए होती है। आखिरकार शिवा को दूर गांव से एक कॉल आता है। वो आदमी दुकान वाला होता है। वो शिवा से कहता है कि क्या आप झूठे वीडियो बना रहे हो, वीडियो में जो लड़का दिखा रहे हैं उसकी तो कोई बहन ही नहीं है, और फोन रखता है। शिवा फिर से उस नंबर पर कॉल लगाता है तो वो दुकान वाला फोन काटता है। फिर शिवा खुद जाकर उससे मिलता है। शिवा दुकान वाले को बताता है कि वो पुलिस वाला है और इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो वो दुकान वाला बताता है कि इस लड़के का नाम भैरव है और वो मेरे बचपन में स्कूल में था। उसके पिता मरीडा गांव के शमशान में काम करते थे। 1996 में उसके पिता ने 4 लोगों का खून किया था जिसके बाद बहुत कुछ हुआ था लेकिन मुझे याद नहीं। मरीडा गांव के शमशान में प्रेमनाथ नाम का एक बुजुर्ग आदमी रहता है, उसे पता होगा। तो शिवा उस बुजुर्ग आदमी से मिलने जाता है। फिर वो आदमी शिवा को कहानी बताता है कि काफी साल पहले इसी शमशान में भैरव का घर हुआ करता था। उसके माँ बाप को कोई और दूसरा काम नहीं मिल रहा था इसलिए वो शमशान में अंत्य विधि का काम करते थे। भैरव का जन्म भी इसी शमशान में हुआ था। जन्म होते ही भैरव के कान में लोगों की रोने की आवाज पड़ना चालू हुई थी। उसे लोगों की दुख पीड़ा रोने की
आवाज की आदत होने लगी थी, वो सब उसे पसंद आने लगा था। वो शमशान में हंसता खेलता बड़ा होने लगता है। भैरव का और एक छोटा भाई होता है। भैरव लोगों को रोता देख खुशी से झूम उड़ता था और हंसने लगता था। ये बात उसके पिता को पता चलती है। भैरव एक हफ्ते से ठीक से खाना नहीं खा रहा था, तो भैरव के पिता उसे और उसके छोटे भाई को बाहर खाना खाने लेकर जाते। भैरव उसके पिता को बताता है कि एक हफ्ते से गांव में कोई मौत नहीं हुई, इसलिए ठीक से खाना नहीं जा रहा है। इस पर भैरव के पिता को क्या जवाब दूं ये समझ नहीं आता। रास्ते में गांव का एक आदमी बेहोश होकर नीचे गिरा होता है। भैरव और उसके पिता उसे देखते तो भैरव के पिता बाकी गांव वालों को बुलाने चाहते। भैरव उस आदमी के पास रुकता है। उसके अंदर का शैतान जाग जाता है। वो पत्थर से उस आदमी को मार डालता है। भैरव के पिता गांव वालों को लेकर आते तो देखते कि उस आदमी से खून आ रहा है। उन्हें पता चलता है कि भैरव ने उस आदमी का खून किया। फिर उस आदमी की अंत्य विधि होती है, जिससे भैरव के पिता को पैसे मिलते और भैरव को लोगों को रोता देख और मौत का मातम देख आनंद। फिर भैरव एक आदमी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मारता है। एक आदमी को ढलन से नीचे धक्का देता है तो एक लड़की को पानी में डुबा कर मारता है। भैरव और एक सोते हुए आदमी पर पत्थर फेंक कर मारता है, पर ऐसा करते हुए उसे गांव का एक लड़का देखता है। वो ये बात गांव वालों को बताता है। फिर सभी गांव वाले मिलकर रात को छुपके से जाकर शमशान में भैरव के घर को आग लगा देते, जिसमें भैरव बाहर रहने की वजह से बच जाता है और उसके परिवार की जान जाती है। पर इसके बावजूद गांव में हत्याएं नहीं रुकती, तो गांव वाले एक स्वामी जी के पास जाते। वो बताते हैं कि शैतान का परिवार चलाने से गांव पर प्रकोप हुआ है, तो सभी गांव वाले वो गांव छोड़कर दूसरे गांव बस जाते। वो बुजुर्ग आदमी बताते हैं कि भैरव अब भी जिंदा है, किसी गांव वाले ने उसे देखा है। अब शिवा को सारी हकीकत समझ आती है। वो उस दुकान वाले को जाकर मिलता है और कहते हैं कि तुमने वीडियो में भैरव का फोटो देकर कैसे पहचान लिया कि वो भैरव है, जबकि तुमने उसे बचपन में देखा था। तो वो दुकान वाला थोड़ा हिचक कर कहता है कि सॉरी सर, मैं बताना भूल गया, पिछले साल मैं फैमिली के साथ हैदराबाद वंडरेला पार्क गया था, वहाँ पर भैरव हमें मिला था और उसने मेरे पिताजी को पहचान लिया। वो वहाँ पर सिक्योरिटी की नौकरी करता है। उसने सभी गांव वालों को बताने कहा था कि वो जिंदा है। फिर शिवा वंडरेला पार्क में जाता है, जहाँ पर भैरव सिक्योरिटी का काम करता था। शिवा वहाँ जाकर भैरव को ढूंढने लगता है, तभी भैरव उस पर हमला करता है। शिवा भी उसे करारा जवाब देता है। फिर शिवा के दोस्त मिलकर भैरव को गाड़ी में डालते और एक सुनसान जगह पर लेकर जाते। शिवा के दोस्त भैरव पर बंदूक ताने होते। भैरव उन्हें उकसा कर खुद को मारने कहता है। वो काफी खूंखार होता है। शिवा का दोस्त भड़क कर शिवा से कहता है कि ये हैवान है, इसे जीने का कोई हक नहीं, मार डालो इसे। पर शिवा शांत होता है। वो बताता है कि ये भैरव नहीं बल्कि उसका छोटा भाई है। फिर भैरव का छोटा भाई बताता है कि मेरा भाई भैरव तुम्हें ढूंढते जरूर आएगा, वो इतने सालों में चुप नहीं बैठा था, उसने ट्रेन में बस में एक्सीडेंट कर काफी लोगों की जान ली है। लोगों को रोते देख तड़पते देख हमें काफी खुशी मिलती है, हमें मौत का तांडव पसंद है और अगले 10 सालों का प्लान भी हमारे पास रेडी है। भैरव ने अपने छोटे भाई को भी हैवान बनाया होता है। भैरव ने बचपन से किए हुए हत्याओं को उसका छोटा भाई देख रहा होता है, वो भी उसके जैसा ही दरिंदा बन चुका होता है। उस रात भैरव के साथ उसका छोटा भाई भी घर से बाहर था, इसलिए बच गया था और तब से वो दोनों मौत के सौदागर बन चुके थे। शिवा को उसके दोस्त का कॉल आता है, वो उसे न्यूज देखने कहते हैं। शिवा न्यूज देखते है तो उसमें भैरव ने न्यूज चैनल को भेजा वीडियो होता है। भैरव ने मास्क पहना होता है। वो बताता है कि वो खुद कितना बड़ा हत्यारा है, पिछले 12 सालों में उसने कई हत्याएं की पर उसे कोई पकड़ नहीं पाया, उसका नाम किसी के पास नहीं था, पर आज एक आदमी को उसका नाम गांव का पता चल गया है और उसने ही मेरे भाई को किडनैप किया है। भैरव शिवा की बात कर रहा होता है, अगर मेरे भाई को छोड़ा नहीं तो पूरे शहर को शमशान बना दूंगा। शहर में जहाँ पर मेट्रो का काम चल रहा है वहाँ पर मैंने 23 खंभों में 23 लोगों को मारकर दफना दिया है। ये सब तो मैं उद्घाटन के दिन बताने वाला था, जब पूरा शहर जश्न मना रहा होगा और कुछ लोग मातम, पर इस आदमी ने मेरा पूरा मजाक खराब कर दिया। फिर उन 23 लोगों का नाम न्यूज चैनल में बताया जाता है, जिन्हें मेट्रो के खंभों में भैरव ने दफनाया होता है। उन खंभों को घेरे उनके परिवार वाले रो रहे होते। मौत का मातम देखने भैरव वहाँ पर पहुँच जाता है। उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता, भैरव लोगों का रोना एंजॉय करा होता है। तभी ऊपर ब्रिज पर शिवा भैरव के भाई को लेकर आता है और लोगों को रोना बंद करने कहता है। वो कहता है कि कातिल तुम सबके बीच में मौजूद है, तुम्हारा रोना उसे खुशी देता है। आज देखते हैं कि उसके भाई के रोने पर उसे हंसी आती है या नहीं। इन दोनों भाइयों ने मिलकर काफी खून किए। फिर शिवा भैरव के भाई को गोली मारकर मार डालता है। इससे भैरव गुस्से से तिलमिला जाता है। पहली बार उसे किसी ने चुनौती दी होती है। भैरव वहाँ पर मौजूद होता है लेकिन शिवा उसे पहचान नहीं पाता। फिर शिवा को एक पुलिस वाला आकर मिलता है। शिवा ने उस पुलिस वाले के बेटे को किडनैपिंग से बचाया होता है। वह पुलिस वाला शिवा को बताता है कि भैरव का अगला टारगेट एक हॉस्पिटल है, लेकिन कौन सा वो पता नहीं, शायद तुम्हारी वजह से उसने उसके प्लान को रोका होगा। भैरव भी यहाँ वहाँ कॉल लगाकर जानकारी ले रहा होता है। शिवा को पता होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए भैरव अपने प्लान से हटेगा नहीं, उसके पहले उसे पकड़ना होगा। शिवा अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है। तभी उसे चार्ली का कॉल आता है। चार्ली बताती है कि उसने दोस्त के फ्लैट की चाबी ली है, उसमें स्विमिंग पूल भी है। चार्ली का मूड कुछ और होता है पर शिवा काम में बिजी होता है तो चार्ली फोन रखती है। फिर शिवा की माँ का कॉल आता है। वो शिवा को बताती है कि सबके घर में लाइट है, सिर्फ हमारे घर में लाइट नहीं है, घर जल्दी आ जाओ। शिवा को हेमा की याद आती है, उसके घर की लाइट भी भैरव ने काट दी थी। फिर शिवा की माँ बताती है कि अजीब से आवाज आ रही है, घर में किसी का होने का एहसास हो रहा है। शिवा समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वो अपने माँ से कहता है कि मैं आता हूँ घर पर। फिर वो अपने घर के ड्राइवर को कॉल लगाता है तो वो कॉल भैरव उठाता है। भैरव शिवा से कहता है कि न्यूज में ड्राइवर की मौत की खबर देख लेना। भैरव ने ड्राइवर को मार दिया होता है। फिर भैरव सिक्योरिटी गार्ड को भी मार देता है। शिवा लैंडलाइन में फोन लगाता है तो उसकी
फायर भी भैरव ने काट दी होती है। शिवा उसके माँ के मोबाइल पर कॉल लगाता है तो वो कॉल भैरव उठाता है और उसके माँ को मारने की धमकी देता है। उतने में घर पर शिवा का छोटा भाई भी आता है। भैरव घर में उन दोनों से छुपकर बैठा होता है। वो शिवा से कहता है कि वो उसके भाई और माँ को बेरहमी से मार डालेगा। शिवा डर जाता है। भैरव शिवा को गिड़गिड़ाने कहता है तो शिवा प्लीज कहता है, पर वो भैरव के लिए काफी नहीं होता, वो फोन रखता है। फिर शिवा तेजी से अपने बाइक पर सवार होकर घर जाने निकलता है। भैरव शिवा के घर से बाहर निकलता है और रिक्शा पकड़ता है और एक रास्ते पर जाता है जहाँ से शिवा बाइक पर जल्दबाजी में अपने घर पर आता है। वो अचानक शिवा की बाइक के सामने जाता है और टायर में रॉड डालता है जिससे बाइक वही रुक जाती है और शिवा आगे ढकेला जाता है और सामने वाले ट्रक में मौजूद सरिया उसके पेट में घुस जाती है। फिर शिवा के दोस्त वहाँ आते और शिवा को एम्बुलेंस में डाला जाता है। शिवा को होश होता है पर वो काफी दर्द में होता है। वो एम्बुलेंस में लेटकर बाहर देखता है तो उसे भैरव दिखाई देता है। भैरव के चेहरे की हैवानियां देखकर और उसका इशारा देखकर शिवा पहचानता है कि वही भैरव है। तभी शिवा के नजदीक एक पुलिस वाला होता है। शिवा उसकी बंदूक निकालकर भैरव पर निशाना लगाता है और उसे दो गोलियां मारता है जिससे भैरव ब्रिज से नीचे पानी में गिर जाता है। फिर चार दिन बाद शिवा को हॉस्पिटल में होश आता है। शिवा अपनी माँ के बारे में पूछता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है भैरव शिवा के भाई और माँ को मारने वाला होता है। तभी उनके घर की लाइट आती है। फिर एक के बाद एक डिलीवरी बॉयज, एम्बुलेंस, ओला ड्राइवर सब शिवा के घर पहुंचते हैं। इन सबको वहां देखकर भैरव वहां से भाग जाता है। उन सबको बुलाने का प्लान शिवा का होता है जिसको अंजाम उसके दोस्त देते हैं। शिवा की फैमिली उससे मिलती है। फिर चार्ली भी उससे हॉस्पिटल मिलने आती है। शिवा ने जानबूझकर भैरव को ऐसी जगह गोली मारी होती है जिससे वो जख्मी हो पर जिंदा रह सके। शिवा को पता होता है कि भैरव अभी जिंदा है। इन्वेस्टिगेशन करने पुलिस शिवा के होश में आने का इंतजार कर रही होती है। चार्ली की मदद से शिवा की तबीयत धीरे धीरे ठीक होती है। शिवा के सीनियर्स उसे कहते हैं कि तुम अब इन्वेस्टिगेशन बंद करो, बाकी का काम आईबी और पुलिस करेगी। तो शिवा कहता है कि मुझे 2 दिन की मोहलत दीजिए, पर शिवा के सीनियर्स नहीं मानते। तो शिवा कहता है कि सिर्फ 2 घंटे तो दीजिए, मैं उस कातिल को पकड़ लूंगा। तो उसके सीनियर्स मान जाते। फिर शिवा हॉस्पिटल में 11वें फ्लोर पर सेटअप लगवाता है जहां पर कंस्ट्रक्शन चालू होता है। भैरव जिस जगह नदी में गिरा होता है वहां के एरिया में आजू बाजू नकाशे के जरिए तलाशी की जाती है। शिवा कहता है कि जख्मी अवस्था में तैरकर भैरव कहीं दूर नहीं गया होगा, वो नदी के आसपास के किसी एरिया में किसी घर में छुपा होगा और इलाज कर रहा होगा। फिर शिवा एक तरकीब लगाता है, वो नदी के आसपास के एरिया में देखता है कि उस समय कौन सा सीरियल घर में ज्यादा लोग टीवी पर देख रहे हैं। फिर शिवा एक वीडियो के जरिए डायरेक्ट उस सीरियल में टीवी स्क्रीन पर आता है जो सीरियल लोग उस एरिया में देख रहे होते। शिवा झूठ कहता है कि हम एक गेम खेलने वाले हैं जिसमें औरतों को 25,000 की साड़ी और 17 इंच की LCD मिलने वाली है। उन्हें सिर्फ अपने आजू बाजू के घर जाकर 2 सवाल पूछने होंगे कि समीर आपके घर पर आया है क्या, दोनों गोलियां निकाल दी है ना, और उसकी जान खतरे में तो नहीं है ना। औरतें टीवी पर नंबर देकर शिवा को कॉल लगाती है तो शिवा उनसे ये सवाल अपने आजू बाजू के घर पर पूछने कहता है। औरतों को थोड़ा अजीब लगता है पर वो सारी और टीवी के लिए आजू बाजू जाकर ये सवाल पूछने लगते हैं। फिर सभी लेडीज शिवा को कॉल लगाकर कहते हैं कि हमने आजू बाजू सभी घरों में पूछा पर कोई ठीक से जवाब नहीं मिला। आखिरकार शिवा को जिस कॉल का इंतजार होता है वो कॉल आता है। एक औरत शिवा को बताती है कि मेरे घर से 8-9 घर छोड़कर एक घर है, वहाँ पर मैंने ये 2 सवाल पूछे तो उस औरत ने कहा कि आपको कैसे पता चला, और वो डरी हुई लग रही थी। शिवा उस घर का एड्रेस लेता है तो वो घर हॉस्पिटल में वार्डन का काम करने वाले का होता है। शिवा उस घर में होने वाले लोगों की जानकारी निकलता है तो घर में 10 लोग होते और सभी का मोबाइल स्विच ऑफ होता है और कोई भी 1 हफ्ते से घर से बाहर नहीं निकला होता। फिर शिवा उस घर का सैटेलाइट इमेजेस से स्क्रीनिंग करता है तो उसे पता चलता है कि घर के लोग 2 हिस्सों में दिखाई दे रहे हैं और शिवा समझ जाता है कि भैरव उसी घर में छुपा है और उसने सभी घर वालों को बंदी बनाया होता है। भैरव ने एक आदमी को तो फांसी लगाकर मार दिया होता है। शिवा उस एरिया के सभी 7 औरतों को फोन लगाता है और उन्हें सच्चाई बताता है कि ये पुलिस ऑपरेशन है और उस घर में कातिल छुपा है, अगर पुलिस को बुलाया तो वो उन सबको मार डालेगा, उन घर वालों को आपको छुड़ाना है। शुरू में तो सभी औरतें मना करती है पर शिवा उनमें जोश और उमंग भरता है तो सभी औरतें मान जाती है। फिर शिवा के कहने के मुताबिक सभी औरतें चुपके से उस घर पर चढ़ जाती है। एक औरत उस घर की बेल बजाती है तो भैरव उस घर में मौजूद एक औरत की रस्सी खोलता है और उसे बाहर दरवाजे पर कौन है वो देखने कहता है। अगर कोई चालबाजी की तो उसके लड़की को मारने की धमकी देता है तो वो औरत बाहर जाकर शिवा ने भेजे औरत से बात करती है। भैरव का ध्यान उन पर होता है। ऊपरी मंजिल पर 2 औरत पहुंच जाती है और बंधे हुए लोगों को छुड़ाने लगती है, लेकिन भैरव ऊपर जाता है तो वो दोनों औरत बाहर जाती है। तभी नीचे के लोगों को भी छुड़ाकर घर से भगाया जाता है। भैरव नीचे आकर देखता है तो कोई नहीं होता और ऊपर जाकर देखता है तो उनको भी औरतें छुड़ाकर लेकर जाती है। जो औरत दरवाजे पर बात करने गई होती है उसे भी भगाया जाता है। इस तरह भैरव के चंगुल से सभी घर वाले छूट जाते। शिवा का प्लान कामयाब होता है। पुलिस आकर भैरव को पकड़कर लेकर जाती है। शिवा अपने सीनियर्स को बताता है कि आप कही है कि मैं आपका ही सीक्रेट मिशन कर रहा था, इससे आपकी तारीफ होगी और आपको प्रमोशन मिलेगा। तो सीनियर्स मान जाते और शिवा पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी नहीं बैठती। शिवा को चार्ली को सभी हकीकत बतानी होती है कि वो क्या करता है और अचानक उसके पीछे कैसे पड़ा। तो शिवा चार्ली को अपने साथ काम पर लेकर जाता है जहां पर चार्ली को समझ आता है कि शिवा उसके कॉल सुनता था। फिर शिवा भैरव से मिलता है। भैरव ने उसे ठीक 1 बजे बुलाया होता है पर शिवा उसे 1:20 को मिलता है। भैरव शिवा को बताता है कि मैंने शहर के पास होने वाले बड़े से पत्थर का सपोर्ट निकाल दिया है, कुछ ही मिनटों में वो बड़ा सा पत्थर शहर में घुस जाएगा जिसे मौत का तांडव होगा, पहले
में उन्हें बचा लो, हॉस्पिटल का मिशन फाइनल में दूंगा। शिवा को पहले ही 20 मिनट की देरी हो चुकी होती है। वो तुरंत शहर की उस जगह पर पहुंचाता है जहां पर बड़ा सा पत्थर घुस गया था। वो पत्थर रास्ते में आने वाली गाड़ियों को कुचलकर आगे बढ़ रहा था। शिवा बड़ी बहादुरी से एक बड़ा सा ट्रक उसके आगे लगाकर पत्थर को एक जगह रोक देता है। फिर उसे पता चलता है कि भैरव पुलिस की कस्टडी में पुलिस को मारकर भाग गया है। शहर की सभी हॉस्पिटल की सुरक्षा बढ़ाई जाती है। चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया जाता है। शिवा भैरव को पकड़ने की तैयारी में होता है तभी उसे चार्ली का कॉल आता है। शिवा बिना कुछ सुने चार्ली को चिल्लाता है कि इतने इंपॉर्टेंट काम के बीच तुम कॉल क्यों कर रही हो। तो चार्ली कहती है कि मैं एक हॉस्पिटल में गई थी, वहाँ एक औरत रोते हुए देखा और उसके साथ भैरव जैसा एक आदमी था। फिर वो फोन रखती है और गुस्से से स्विच ऑफ करती है। शिवा को जानना बेहद जरूरी होता है कि वो कौन सा हॉस्पिटल है। वो तुरंत चार्ली की रिक्शा को ट्रैक करता है और उसके रिक्शा में पहुंच जाता है। फिर चार्ली उसे लाइफ केयर संजीवनी हॉस्पिटल का नाम बताती है और उस वार्डन का भी नाम बताती है। शिवा उस हॉस्पिटल में जाकर उस वार्डन से मिलता है। शिवा उस वार्डन से बात करता है, भैरव ने उसके बेटे को किडनैप किया होता है। शिवा उस वार्डन को दिलासा देता है तो वो वार्डन बताता है कि भैरव का पूरी हॉस्पिटल में मौजूद लोगों को मारने का प्लान है। वार्डन की मदद से ही भैरव ने प्लानिंग की होती है। तभी हॉस्पिटल के बेसमेंट में बम धमाके होते हैं जिसे भैरव ने लगाया होता है। चारों तरफ अफरा तफरी मचती है, सभी लोग हॉस्पिटल के बाहर जाने निकलते हैं। शिवा हो सके उतने लोगों की मदद करते हैं। फिर वहाँ भैरव आता है। शिवा और उसके बीच जोरदार लड़ाई होती है जिसमें शिवा भैरव को नीचे फेंक कर मारता है। फिर आखिर में शिवा मीडिया पुलिस और चार्ली के सामने इंसानियत का भाषण देता है और फिल्म खत्म होती है। दोस्तों आपको फिल्म कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे फिल्म देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।